एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता, दर्श को आपको बता दें कि आज फाइनली गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का नाम अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जो उनकी विचारधारा पर जो है वो काम करेगी। और आज पार्टी का नाम अनाउंस करने के साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी फ्लैग को जो है वो भी लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि उनके पार्टी फ्लैग में जो है येलो कलर, व्हाइट कलर और ब्लू कलर है, जो अपनी अपना सिग्निफिकेंट जो है वो डिफाइन करते हैं। जिस तरह से ये कलर डिफाइन करते हैं, उसी तरह से इनकी पार्टी जो है अपना अपना रोल प्ले करेगी और जम्मू व कश्मीर दोनों को साथ लेकर चलेगी। और आने वाले समय में उनकी ये पार्टी जो है एक विकल्प के तौर पर भी उभर कर सामने आ सकती है। देखिए, मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पिछले 3 साल से, जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी, मैं 370 की बात नहीं करता, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों की जो मुश्किलें हैं यहाँ बड़ी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे नौजवान जो अटैक पर थे, हमारे नौजवान को जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिनको वायदे किए गए, और वो आज सड़कों पर है और ये सरकार सुनने से इनकार करती है। इसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं हो सकता जब तक यहाँ स्टेट नहीं बन जाए। तो स्टेटहुड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपने साथ में देखा होगा, मिसाल के तौर पर बहुत से बाहर के लोग यहाँ आकर के, देखो लिक्विड ट्रेड पर कब्जा कर लिया उन्होंने, माइनिंग पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जितनी कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसी थी उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हमारी पार्टी का मुद्दा ये रहेगा कि राइट टू लैंड, राइट टू सर्विसेज, राइट टू वर्क्स एंड ऑल दैट, दिस शुड बी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इतिहास गवाह है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट रही है कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। आज़ाद साहब की पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो गठबंधन की बात करें तो क्या गठबंधन बीजेपी के साथ भी हो सकता है या अपने बलबूते पर चुनाव लड़े जाएंगे, किस तरह से रिसोर्स जो है वो जुटाए जाएंगे? कोई गठबंधन नहीं, आज़ाद साहब ने क्लियर किया। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो हमें हम उनकी नीतियों को जानते हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा। हमारी जो सोच होगी, हम लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे। अगर हमारी सोच के साथ लोगों की सोच मिल जाएगी, लोग आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, तो केंद्र सरकार जो है, मैं मानता हूँ, देखिए केंद्र सरकार कोई ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर किसी प्रदेश में वहाँ के लोग मिलकर के एक पार्टी को ऊपर आगे बढ़ाते हैं तो नेचुरल है कि केंद्र भी उसकी मदद करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि केंद्र की सरकार के साथ भी हमारा मेल हो। अगर हम मजबूत हैं, अगर हमारे लोग इकट्ठे हैं, हमारी सोच ठीक है, देखो हमारी एक नई सोच है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की एक नई सोच है, नया कदम है, नए विचार हैं, नई विचारधारा है, और उस विचारधारा को लेकर के हम आज़ाद साहब आगे बढ़े हैं। देखिए आज़ाद साहब की जो बहुत बड़ी कुर्बानी है, 50 साल का कैरियर उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए छोड़ा है। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ही राजनीति मैंने शुरू करी, उन्होंने अपने स्टूडेंट टाइम का जिक्र किया, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। और विशेषकर पिछले 3 सालों से जो स्टेट की हालत हुई है, उस हालत को देखते हुए, देखिए जब तक कोई बड़ा आदमी कदम नहीं उठाएगा आगे, और मेरे ख्याल में आज़ाद साहब पूरे सक्षम है इस बात के लिए, उनकी कारकर्दगी को जब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा विश्वास है। क्या आज़ाद साहब आने वाले चुनावों में सत्ता संभालेंगे? और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि सीएम फेस कौन रहेगा इस पार्टी का? क्या मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता संभालने के लिए काम करती है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी सत्ता के लिए काम करेगी, और सत्ता किसके लिए? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। उस सत्ता को हासिल करना इसलिए है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो इरादा तो हर पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता होता है, लेकिन उस सत्ता को यूटिलाइज करना लोगों की बेहतरी के लिए, ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जो मुद्दा है। जिस तरह से केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने यूटी बनाने के बाद जो है डीग्रेड कर दिया हमारी, जो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा उन्होंने छीन लिया, तो सीएम पर्टिकुलर क्या आज़ाद साहब रहेंगे? आज़ाद साहब सीएम बन सकते हैं? देखिए, जब तक यूटी है, आज़ाद साहब का स्टेज तो बहुत बड़ा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे राज्यसभा में, सारे देश में इस स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र में कई बार मंत्री, यहाँ हर प्राइम मिनिस्टर का मंत्री रहे, तो यूनियन टेरिटरी में आज़ाद साहब का कद नहीं कि वो उसके चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन आज़ाद साहब की कोशिश है कि हम इस पार्टी के माध्यम से लोगों को जोड़ करके
हम पहले स्टेट को जो दर्जा उसको वापस लें। स्टेट का जब दर्जा वापस आएगा तो आजाद साहब क्यों नहीं सीएम बन सकता है, बेस्ट सीएम। सब क्लियर किया है कि हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी होगी, पार्टी के अंदर पूरी डेमोक्रेसी होगी और हमारी जो प्राथमिकता है वो अमन रियासत के अंदर अमन रहे, रियासत में रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, डेवलपमेंट हो, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। रियासत का जो दर्जा हमारा छीना गया है उसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। जमीन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकल लोगों को मिले, ये हमारे खास मुद्दे हैं। हर एक पार्टी का एक मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी ज़रूर होती है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की प्रतिद्वंदी कौन है मुख्य? देखिए, हमारा जाति कोई दुश्मन नहीं है, हमारा मकसद है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच जाना, लोगों के मन जीतना। अगर हम उसमें सफल हो पाए तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ना कोई दुश्मन है और ना कोई बड़ा दोस्त।